हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती है। ये हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक रहेगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से हमने अपने चैनल पर पहले से 14 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप उन वीडियो को भी ध्यान से देख सके। और आज कि इस लेक्चर नंबर 15 में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो हम ये कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो स्टेप्स आती है, जैसे हमारा कोई यहाँ पर रिएजेंट्स होगा, अटैकिंग रिएजेंट्स होगा, वो हमने बात कर लिए थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के रिएजेंट्स बता दिए थे हमने, और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा वो हमने बॉन्ड का फ्यूजन के थ्रू बताया कि बॉन्ड के फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, होमोलेटिक एंड हेट्रोलेटिक, बॉन्ड का फ्यूजन बताया था। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट्स बनता है, वो भी हमने बता दिए थे, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स। क्लियर है? तो अब हम बात करें ये रिएक्शन कितने प्रकार से पॉसिबल होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, जिनमें से हमारा पहले टाइप का जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले नंबर का जो हमारा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी इस रिएक्शन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन होने के लिए यहाँ पर कोई अटैकिंग रिएजेंट, सपोज रिएजेंट लिख देते हैं हम, कोई रिएजेंट अटैक करेगा और आर पी में कन्वर्ट होगा, तो आर पी में जैसे कन्वर्ट होगा तो इसमें से कुछ ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है और रिएजेंट से कुछ भाग इसके अंदर जुड़ता है, वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनी ग्रुप सब्स्टिट्यूट बाय अनदर ग्रुप टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अब इसको हम डिटेल में बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे पॉसिबल होती है, इसी पर आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें क्या होगा, कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। सपोज हमने ये ले लिया हमने RX रिएजेंट ले लिया, इस पर हमने अटैक दिखाया दिया NaOH का, ये हमने ले लिया अटैकिंग रिएजेंट्स। तो इसके अटैकिंग रिएजेंट्स के थ्रू जैसी रिएक्शन होगी तो इस RX कोई एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, ये X ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा थ्रू दिस वन NaO, तो ये और ये ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसमें ROH प्लस NaX, तो इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो रही। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिक मैकेनिज्म क्या हुई इस रिएक्शन को जरा ध्यान समझ लेना, इसमें एक ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट हुआ, किसके थ्रू हुआ, ये NaNA ना इसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, NaNA से यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और OH का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर बात? अब ध्यान समझ लेना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली ये टू टाइप की होती है, इसको आप डिटेल में बात करेंगे। नंबर एक जो होती है हमारी, ये होती है एलिफैटिक सिस्टम, एलिफैटिक, और दूसरी होती है हमारी एरोमेटिक, यानी सब्स्टिट्यूशन इन एलिफैटिक सिस्टम, और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम। और अब इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, जो एलिफैटिक में होता है ये टू टाइप का होता है, बाय इलेक्ट्रोफाइल और बाय न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना बाय इलेक्ट्रोफाइल और बाय न्यूक्लियोफाइल। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल को बता चुके हैं आपको, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीसीज या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इनके भी टू टाइप होते हैं, बाय इलेक्ट्रोफाइल और बाय न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात? अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये टू टाइप की होती है। ये कैसे होती है? टू टाइप की होती है, इसको बोलते हैं SE1 और SE2। SE1 का मतलब होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमोलिकुलर, और जो आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर सिस्टम। क्लियर है? सिमिलरली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये टू टाइप की होती है, एक होता है हमारा SN1, एक होता है हमारा SN2।
SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, और SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बायमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे हमने एरोमेटिक की बात करी, एरोमेटिक के केस में हमने इलेक्ट्रोफिलिक वाली बात की, ये भी टू टाइप की होती है। इसके लिए हम ARSE1 और ARSE2 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। AR का मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, और ARSE2 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर बात? सिमिलरली अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल के, इसमें भी टू टाइप की होगी है, ARSN1 ARSN2 रिएक्शन। क्लियर बात? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, और यहां पर हो जाएगी हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बायमोलिकुलर सिस्टम। तो ये तो हमारा फुल चार्ट है, हमने जो एक्सप्लेन कर दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इतने टाइप्स के प्रकार होते हैं, और ये हमें जानकारी होनी चाहिए वो किस किस अटैकिंग रिएजेंट्स के थ्रू कंप्लीट होती है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे और न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हम इनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? तो आप इसको जरा नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी रिएजेंट्स में न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली स्पीसीज होता है कोई, या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। सपोज करो हम एग्जांपल के आधार पर ले लेते हैं, OH ले लिया हमने, या RX ले लिया हमने, इस पर हमने कोई ये NOH नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे इस पर ग्रुप पर, तो इसके बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि इसके बीच का जो ये बॉन्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड में शिफ्ट हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो R पॉजिटिव बनेगा, और जो R पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अटैक करके वो ROH बना देगा, हमारा प्लस X नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हुई, किसके थ्रू हुई, न्यूक्लियोफाइल्स NU-। क्लियर बात? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बात? और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हमने अभी बात की, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम एलिफैटिक में बात करेंगे तो ये टू टाइप की किस प्रकार से होते हैं, एक हमने बताया आपको SN1 और एक हमने बताया SN2, टू टाइप की रिएक्शन होती है। अच्छा, और अगर हम बात करेंगे SN1 की, तो SN1 में क्या होता है, वो ऐसा होता है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया CH3, ये हमने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया, सपोज BR ले लिया, इस पर किसी बेस की रिएक्शन करा देंगे हम OH नेगेटिव, तो ये बेस क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में, ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, जो इंटरमीडिएट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, और कार्बोकेटाइन क्या करेगा, OH नेगेटिव साथ अटैक करेगा, क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बना देगा हमारा, CH3 OH प्लस BR माइनस। क्लियर है? तो ये SN1 क्यों बोलते हैं इस रिएक्शन को, SN1 में यानी यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, चूंकि इस रिएक्शन का रेट केवल एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी जो रेट होगा R केवल डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर, BR केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, OH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्लियर बात? और SN1 रिएक्शन की जब मैकेनिज्म स्टडी करती है, टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है हमारी SN1 की, क्योंकि एक स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और दूसरी स्टेप में जो पहली स्टेप होगी कार्बोकेटाइन की, वो स्टेप फर्स्ट होगी, उस स्टेप को बोलते हैं हम स्लो स्टेप, और दूसरी स्टेप में कार्बोकेटाइन और OH नेगेटिव, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं मैकेनिज्म की, थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं यहां से, क्योंकि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि
ये यूनिमोलिकुलर यानी इसी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड क्यों है, OH की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं है। इसकी मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप है वो इस प्रकार से होगी, ये जो बॉन्ड है हमारा BR का, ये बॉन्ड इस बॉन्ड का होगा हेट्रोलिसिस, ये बॉन्ड इस प्रकार से शिफ्ट होगा और इस स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होगा, ये हमारा CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस BR माइनस बनेगा। क्लियर है, कार्बोकेटाइन बन गया और BR माइनस, ये टर्सरी टाइप का कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ये इट इज मोर स्टेबल। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटाइन का, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्सरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इनका। अच्छा, दूसरी स्टेप में क्या होगा हमारा, ये जो कार्बोकेटाइन हमारा जनरेट हो गया ये हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज कैसा माइनस OH माइनस, तो ये स्टेप हो जाएगी हमारी फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप होने से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं रहने की, जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है तो केवल इस रिएक्शन की जो रेट होगा केवल इसी रिएक्शन स्लो स्टेप के बिहा पर ही जज करते हैं, और ये हम ऑलरेडी जानते भी कि जो स्लो स्टेप होते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, क्योंकि उनकी रिएक्शन स्लो होती है इसलिए उनका हम रेट आसानी से जज कर पाते, इसका रेट जज नहीं कर पाते, ये फास्ट स्टेप होती है इसलिए ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। समझ आ रही बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, यानी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट, दूसरे कंसंट्रेशन OH नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात कर ले अगर SN2 की बात कर लेते साथ ही साथ, तो SN2 रिएक्शन में कैसे होगा इसको आप नोट कर लेना। SN2 में सिंपली दिस वन CH3 BR प्लस OH माइनस, तो इसके थ्रू हमारा बन जाएगा OH प्लस BR माइनस, ये रिएक्शन है। इसका जो रेट है डिपेंड करता है एल्किल ब्रोमाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर इसका रेट डिपेंड करता है। इस रेट को चेक कैसे करेंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बिहा पर चेक करेंगे। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म की सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है कैसे, देखो ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड है, इस पर हमारा अटैक दिखाएंगे हम OH माइनस का, तो इस स्टेप में इस टाइप से एक इंटरमीडिएट्स बनता है, इसका शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट होता है। ये तो BR का बीच के बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, और ये OH के बीच के बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे, ये एक शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट बन गया और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, CH3 OH प्लस BR माइनस। क्लियर है, तो इस रिएक्शन का रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायोमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान से नोट करना, इसको आप नोट कर लीजिए। और देन हम बात करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों सिस्टम हम कंबाइन करके ले सकते हैं, कि वो सब्स्टिट्यूशन जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है किसी सब्सट्रेट पर और इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा और फाइनल प्रोडक्ट देगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एरोमेटिक के बहुत सूटेबल रिएक्शंस होते हैं, आप उनको ऑलरेडी जानते भी हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी। देखो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम ले लिया हमने, ये बेंजीन हमारा, इस पर अटैक दिखा देते हैं हम क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन इस रिएक्शन को। तो ये हमारा यहाँ पर Cl एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बेसिकली कैसे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होते हैं, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें Cl पॉजिटिव बनता है एक Cl माइनस बनता है,
तो ये पॉजिटिव हो वाला होगा, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला अटैक करेगा इसके पास और प्रोडक्ट किस प्रकार से देगा हमारा, ध्यान दीजिए, Cl का इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ से H का रिमूवल हो जाएगा प्लस HCl, HCl का रिमूवल हो गया, समझ में आ रही बात। तो इस रिएक्शन को बोलते हम बोलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। यानी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू क्या हो गया इसमें, इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लियर बात। तो आप इसको जरा नोट कर लेना। अच्छा, ये भी टू टाइप की पॉसिबल हो सकती होती है रिएक्शन भी, ये भी टू टाइप की होती है, यूनिमोलिकुलर सिस्टम में भी होती है ये और बायोमोलिकुलर सिस्टम में भी होती है। जो ज़्यादा मेन सेलेक्टेड है उनकी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपका SN1 और SN2 के केस में, क्लियर है। अच्छा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारी फ्री रेडिकल में, किस में होती है, फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसको भी हम बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे उसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी फ्री रेडिकल के थ्रू क्या होगा उसमें, सब्स्टिट्यूशन होगा, उस रिएक्शन बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, रिएक्शन के आधार पर क्लियर होगा हमारा कि फ्री रेडिकल के थ्रू कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है। सपोज हम बात कर लेते हैं मीथेन की, इस पर हम जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कन्वर्ट होते हैं हमारा CH3Cl+HCl में, इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, वो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल के थ्रू जनरेट होती है, अब उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। और फ्री रेडिकल की जो मैकेनिज्म होती है आप जानते हैं, वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है मैकेनिज्म। जैसे ये हमारा Cl है, ये Cl, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा इस टाइप से ब्रेक होगा, इसको बोलते हैं होमोलिसिस, यानी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी प्रकाश है हमारा, तो ये फ्री रेडिकल बनने का हमारे टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है ये हमारा कंबाइन करेगा हमारे CH4 को, हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH3H, इस पर हम इस फ्री रेडिकल का अटैक दिखाएंगे। तो ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड भी इस प्रकार से ब्रेक क्लीवेज होगा इसका, कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो और वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस फ्री रेडिकल के साथ अटैक करके क्या बना देगा, वो तो HCl बना देगा हमारा, क्या बना देगा, HCl, और एक रेडिकल हमारा जनरेट हो जाएगा अन्य, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लियर है। अच्छा, एक ध्यान देना आप, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमने बताया था आपको इंटरमीडिएट जब पढ़ाए थे, फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होता है जो कार्बोकैटायन का होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्लियर। अच्छा, ये तो दो हो गए, दो स्टेप, इन स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन, ये दोनों स्टेप हो गए हमारा इनिशिएशन। दूसरी स्टेप होती है प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा हमारा, ये जो रेडिकल हमारा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये रेडिकल कंबाइन करेगा हमारे दूसरे रेडिकल के साथ, दूसरा रेडिकल क्लोरीन रेडिकल, तो इसके साथ रिएक्शन करने से क्या जनरेट करेगा हमारा, CH3Cl जनरेट करेगा, दो रेडिकल कंबाइन करके आगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिए, क्लियर बात। अच्छा, एक जो हमारा हाइड्रोजन रेडिकल भी बनाते हैं, हाइड्रोजन रेडिकल भी कंबाइन करके क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, क्लियर है। तो इस स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप, और जो लास्ट होते हैं वो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा हमारा, कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये कंबाइन करेगा दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा हमारा CH3 इथेन का जनरेशन करेगा, क्लियर बात। तो ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म इस टाइप से कंप्लीट होती है। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको कंडीशन ध्यान रखना, हमने पहले बताया था हेल्पर HELPR, ये बताता, इन तीन कंडीशन में होते हैं, H का मतलब हीट,
इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परोक्साइड, रेडिकल। तो यहाँ पर क्या लाइट है ना, सनलाइट, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म जहाँ पर भी होगी वो ये तीन कंडीशन को फॉलो करते, HELPR, हेल्प, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परोक्साइड, रेडिकल। ये रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, और रेडिकल भी है इसमें और साथ में लाइट भी है। क्लियर है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप से पढ़ लिया, एक तो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू और फ्री रेडिकल के थ्रू। ज़्यादा डिटेल में हमने न्यूक्लियोफाइल के डिटेल में एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियोफिलिक में फिर ये दो टाइप के हो जाते हैं हमारे, SN1 हो जाता है और SN2 हो जाता है, और इसमें भी हमारे टू टाइप के हो जाते हैं हमारे, SE1 और SE2। ये उस कंडीशन में जब हम एलिफेटिक सिस्टम ले रहे हैं। अगर हम एरोमेटिक सिस्टम लेंगे तो हमारे पास फिर एक सिचुएशन हो क्रिएट हो जाती है, ARSN1, ARSN2, ARSE1, ARSE2 इस टाइप से होते हैं। और फिर रेडिकल की जो मैकेनिज्म है ना, ये इसकी मैकेनिज्म के तीन स्टेप बताया आपको, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो इन तीन स्टेप के भी यहाँ पर फिर रेडिकल की मैकेनिज्म स्टडी की जाती है। और साथ ही फिर रेडिकल जो मैकेनिज्म होती है उसके लिए हमने एक चीज और बताई, हेल्पर, HELPR। यानी फिर रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पॉसिबल होते हैं उसके लिए ये कंडीशन है, एच फॉर हीट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एल फॉर लाइट, पी फॉर परोक्साइड, आर फॉर रेडिकल, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये जो वीडियो लेक्चर था हमारा, केवल ब्रीफ डिस्कशन किया हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिस रिएक्शन में किसी अटैकिंग रिएजेंट के थ्रू किसी सब्सट्रेट से कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है और फाइनल प्रोडक्ट देता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेसिकली हमने तीन टाइप से स्टडी कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा, और यदि कोई बात आपको समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर उसका समाधान दे सके। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और आज की वीडियो यहीं तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।